वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में निमसेट के बारे में चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको निमसेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस पूरे वीडियो को बस अंत तक देखिए। मैं आपको बिल्कुल ही निमसेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निमसेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो निमसेट का देखिए फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि इसको कंडक्ट करवाता है NIT, और इस टेस्ट को आप पास करने के बाद NIT में आप MCA करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर करना चाहते हैं तो आप निमसेट का एग्ज़ाम दीजिए और NITs में एडमिशन लीजिए, और उसके बाद से वहाँ पर आपको अच्छी सैलरी पैकेज भी मिलेगी। तो NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट इन इंडिया फॉर एडमिशन टू मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज इन सेलेक्टेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एग्ज़ाम देने के लिए आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो निमसेट प्रवेश परीक्षा के लिए कैंडिडेट के पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी सेमेस्टर में या कि किसी भी ईयर में एक विषय के रूप में, जैसे कि गणित या सांख्यिकी या कि व्यावसायिक गणित के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक 3 साल की स्नातक डिग्री का होना इसमें आवश्यक है, और 60% आपका रिजल्ट भी इसमें होना आवश्यक है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएशन में गणित के साथ आप ग्रेजुएशन हो और 60% के साथ आप पास होने चाहिए उसमें। तो निमसेट प्रवेश परीक्षा का इसमें सिलेबस क्या होता है, ये तो हमारा क्वालिफिकेशन, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा निमसेट के बारे में कि हम क्या कर सकते हैं, निमसेट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं निमसेट प्रवेश परीक्षा के सिलेबस की। तो इसमें सिलेबस देखिए, मैथमेटिक्स रहता है पहला, और दूसरा हमारा रहेगा जर्नल इंग्लिश, तीसरा हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा, चौथा हमारा लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। तो ये चार चीज़ें आएंगी, चार सेट रहेगा पूरा क्वेश्चन पेपर का, मैथमेटिक्स, जर्नल इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस और लॉजिकल रीजनिंग, और ये पूरा आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन बेस्ड में एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ इसका पैटर्न क्या रहता है, तो निमसेट प्रवेश परीक्षा में गणित और रीजनिंग, साथ ही साथ कंप्यूटर और इंग्लिश, इतने पेपर होंगे, इनको 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें कि 120 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस वहां पर रहेंगे। तो आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए कैंडिडेट को यहां पर 4 अंक मिलेंगे, और अगर आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसका 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं निमसेट की एग्ज़ाम फीस के बारे में। तो निमसेट प्रवेश परीक्षा की फीस बहुत ही मामूली होती है MCA प्रोग्राम्स की प्रवेश परीक्षा के लिए। निमसेट एग्ज़ाम आवेदन शुल्क सभी कैंडिडेट्स के लिए लगभग 2000 रुपये है। अब 2000 रुपये इसका एग्ज़ाम फीस होता है। और आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कहां पर अप्लाई करेंगे निमसेट के लिए, तो निमसेट प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आप निमसेट की जो वेबसाइट है www.nimset.in पर आप जा करके वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको निमसेट के बारे में हमने बताया कि आप निमसेट के एग्ज़ाम को क्लियर करके आप NITs में एडमिशन ले सकते हैं, और वहां से आप MCA यानी कि मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, और आपको फिर वहां से अच्छी सैलरी पैकेज आपको मिलेंगी। और हमने बताया कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कहाँ करना है, www.nimset.in पर जा करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और कैंडिडेट को आवेदन ये ऑनलाइन ही करना होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन का एक प्रिंट आउट भी आपको रखना होगा, और साथ ही साथ डाक के द्वारा इसे 10+2+3 ईयर का ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साथ ही साथ एक डिमांड ड्राफ्ट की प्रति के साथ आपको निमसेट के एड्रेस पर आपको भेजना होगा। क्या क्या, 10+2 और 3 ईयर का ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और आप जो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट आउट आपको लेकर के डाक के द्वारा आप डिमांड ड्राफ्ट की प्रति भी रखेंगे, तो वो आपको निमसेट के
एड्रेस पर आपको वो फॉरवर्ड करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।